कांग्रेस सरकार ने जालौर जिले को खूब सौगात दी। पाराशर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का हुआ आयोजन। साइला राजस्थान राज्य जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार साइला आगमन पर पंचायत समिति सभागार में साइला ब्लॉक कांग्रेस की ओर से भव्य स्वागत किया गया। वहीं पाराशर ने उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की, जिसमें अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाराशर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस बार जिले को खूब सारी सौगातें दी हैं, विशेषकर जालौर विधानसभा क्षेत्र में केशवणा में कृषि महाविद्यालय, रेवतना में कॉलेज व जीवाणा में अनार मंडी जैसी सौगातें दी हैं। इससे क्षेत्र के विकास में गति बढ़ेगी। पाराशर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता पार्टी की मजबूती के लिए काम करता है, उन्हें पार्टी कभी न कभी अवसर जरूर देती है। वे खुद इसका एक उदाहरण है। यही वजह है कि उनकी समर्पणता के कारण ही कांग्रेस पार्टी ने आज उन्हें जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पद के रूप में सुशोभित किया है। उन्होंने कहा कि जालौर विधानसभा के सभी नेता एकजुटता के साथ कार्य करें, समस्याओं के लिए प्रस्ताव लेकर सरकार को भिजवाएं, समस्याओं का समाधान करवाने की उनकी जिम्मेदारी रहेगी। विभिन्न संगठनों ने किया स्वागत। इसी मौके पाराशर का सरपंच संघ, स्वास्थ्य संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, शिक्षक संघ सहित अनेक राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने समिति सभागार में स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसी दरमियान राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने पर कर्मचारी महासंघ द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत व आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी भूराराम सिरवी ने सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस जनों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आह्वान किया। लोकसभा प्रत्याशी रतन देवासी, पूर्व जिला अध्यक्ष नयन सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, सवाराम पटेल, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शोभा सुंदेशा सहित सभी ने संबोधित किया, यहाँ भी स्वागत किया। जालौर से साइला आते वक्त साफाड़ा, केशवणा, उम्मेदाबाद, ओटवाला, चौराऊ, पोषाणा, भांडवपुर व बावतरा में भी पाराशर का स्वागत किया गया। इन्होंने सौंपा ज्ञापन। इस दौरान मनरेगा कार्मिक संघ, किसान संघ सहित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवाणा व भुंडवा के छात्रों ने पाराशर को ज्ञापन सौंप कर उनकी समस्याओं और मांगों को लेकर अवगत करवाया।